have studied in our last part about the basic properties of assets and bases और indicators के बारे में हमने पढ़ा था. आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे अपने टॉपिक के साथ. That is, acid and bases, what they have in them, that's why they are conducting electricity and the other compounds that are having that same hydrogen and oxygen compounds, but they are not conducting electricity. तो ऐसा क्या होता है इनके अंदर? So basically, the acids, वैसे तो ड्राई स्टेट में एसिड्स भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं ना, बेसिस कंडक्ट करते हैं. इन्हें चाहिए वाटर. जब इनके पास वाटर आ जाता है देन दे फॉर्म हाइड्रोजन आयंस, तभी उनके पास आयंस बनता है. अगर आप ड्राई स्टेट में चेक करेंगे लिटमस पेपर से, अगर लिटमस पेपर भी ड्राई है एंड एसिड इज ऑल्सो ड्राई, देन लिटमस पेपर इज नॉट गोइंग टू चेंज द कलर ऑफ एसिड और ऑफ बेस. बट अगर आपने उसको वाटर में मिक्स करके रखा हुआ है तो वाटर में एक्चुअली होता क्या है कि इसके आयंस रिलीज होना शुरू हो जाते हैं. सिमिलरली विद बेस, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर दे रिलीजेस आयंस. अगर जैसे मैं HCl की बात करूं, HCl इन प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या करेगा, हाइड्रोजन आयंस रिलीज कर देगा आपको, और यही आयंस इसके एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं. सिमिलरली अगर ये आयंस रिलीज हो रहे हैं तभी ये क्या है, कंडक्टिंग है, क्योंकि कंडक्शन के लिए और फॉर बीइंग अ गुड कंडक्टर आयंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. दोज हु डू नॉट हैव आयंस दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सो एसिड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर रिलीजेस एच प्लस आयंस. ये एच प्लस आयंस अकेले सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ये वाटर में जाके मिक्स होते हैं और हाइड्रोनियम आयंस बना लेते हैं. क्या बना लेते हैं? हाइड्रोनियम आयंस. हाइड्रोनियम आयंस, यही आयंस इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन, इसके एसिडिक स्टेट, इन सब चीजों को डिफाइन करता है. तो HCl इन प्रेजेंस ऑफ वाटर H प्लस आयंस और क्लोरीन के आयंस से ब्रेक होता है. यही आयंस इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं. अब ये अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसलिए वाटर सब मिक्स होकर के हाइड्रोनियम आयन बना लेता है. सेकेंडली बेस. बेस भी वाटर की प्रेजेंस में आने के बाद अपने आयंस को रिलीज करना शुरू करते हैं और ये भी क्या करते हैं, कंडक्टिंग होते हैं. दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वाई? बिकॉज दे हैव आयंस इन देम. अगर कभी भी क्वेश्चन आता है वाई एसिड्स एंड बेसिस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज दे हैव आयंस इन देम. बिकॉज ऑफ देयर प्रेजेंस ऑफ आयंस इनके चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो पाते हैं एंड दैट इज कंडक्शन. तो दैट्स व्हाई दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सेकेंडली ग्लूकोज एल्कोहॉल ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं. ग्लूकोज एल्कोहॉल ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते. क्यों? बिकॉज दे डोंट हैव एच प्लस आयन और ओ एच माइनस आयन इन देम. ठीक है, बिकॉज दे डोंट हैव एच प्लस आयन इन देम. तो जब वो वाटर के प्रेजेंस में आते हैं तो उनके पास आयन्स नहीं होते. क्या नहीं होते हैं? आयन्स नहीं होते. दो दे हैव ग्लूकोज एंड एल्कोहॉल. ग्लूकोज एंड एल्कोहॉल, ठीक है, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ आयंस इनके पास आयंस नहीं होते हैं. दे आर बैड कंडक्टर. दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. क्यों नहीं कर पाते हैं? बिकॉज दे डू नॉट हैव आयंस इन दैम. वैसे ही इनमें क्या होते हैं? आयंस होते हैं. अब देखिए, अगर हाइड्रोजन के आयंस की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो वो क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड. इफ आयंस की कंसेंट्रेशन कम है देन इट इज वीक एसिड. सिमिलरली इफ हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसेंट्रेशन ज्यादा है देन इट इज वीक स्ट्रॉन्ग बेस, और अगर आयंस की कंसेंट्रेशन कम है देन इट इज वीक बेस. तो वैसे ही जो कुछ एसिड्स हैं जो स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आते हैं, इनमें है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड्स की जो कैटेगरी में आते हैं इनमें है HCl, H2SO4, HNO3. दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स. ये कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स. क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड्स है? पहली बात तो मिनरल एसिड है और दूसरी बात इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है. दे हैव हायर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन देम. वीक एसिड्स
एसिटिक एसिड, बेअर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, दे ऑल आर कार्बोनिक एसिड। देखिए कार्बोनिक एसिड भी एक ऐसा एसिड है जो है तो मिनरल एसिड, लेकिन एक एक्सेप्शन है मिनरल एसिड में कि ये क्या है, बहुत ज्यादा वीक एसिड है। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है कि एक्सेप्ट बीइंग अ मिनरल एसिड, मिनरल एसिड मतलब जो अर्थ में मिनरल मिलते हैं उनसे जो डायरेक्टली एसिड्स बनते हैं उन्हें कहा जाता है मिनरल एसिड। तो ये कार्बोनिक एसिड उन्हीं से मिलकर के बना होता है, बट इट इज वीक इन नेचर, रेस्ट अदर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इनको आप कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट दोनों फॉर्म में किसी भी तरीके से आप इन्हें क्या नहीं कर सकते हैं, अपने अंदर इंटेक नहीं, खा नहीं सकते इन्हें, बट दे आर इजी टू कंज्यूम। तो ये याद रखिएगा, दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड, आइदर इन कंसंट्रेटेड स्टेट और इन डाइल्यूट स्टेट दे आर नॉट सुटेबल फॉर कंजप्शन, इन्हें आप किसी भी तरह से कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि एससीएल हमारे स्टमक में ही सिक्रीट होता है फॉर किलिंग जर्म्स एंड फॉर मेकिंग द फूड एसिडिक इन नेचर, सो दैट पेप्सिन विल वर्क प्रॉपरली, कि प्रोटीन का डाइजेशन बहुत अच्छे से हो पाए जो हमारे स्टमक में होता है, दैट इज पेप्सिन प्रेजेंट देयर। तो होने के बावजूद हम इसे इनटेक नहीं कर सकते हैं, हम इसे इनटेक नहीं कर सकते हैं। नाउ सेकेंडली, जो मैंने भी वर्ड यूज किया स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए, दो वर्ड यूज किए मैंने, कंसंट्रेटेड और दूसरा था डाइल्यूट, दूसरा था डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर और नो वाटर, स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉटर, ठीक है, और अब्सेंस ऑफ वॉटर, अब्सेंस ऑफ वॉटर, लार्ज अमाउंट ऑफ वॉटर और हाई अमाउंट ऑफ वॉटर, लार्ज और हाई अमाउंट ऑफ वॉटर इज प्रेजेंट, अमाउंट ऑफ H2O इज प्रेजेंट। मतलब इफ आई एम राइटिंग हियर कंसंट्रेटेड HCl एंड आई एम राइटिंग हियर डाइल्यूट HCl, मीन्स इसमें जो वॉटर है वो बहुत कम है या तो नहीं है, इसमें वॉटर का अमाउंट बहुत ज्यादा है, इससे क्या आप डिफाइन हो रहा है कि इसमें H+ आयंस की कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा हाई है, और इसमें H+ आयंस की कंसंट्रेशन क्या है, थोड़ी सी लो है एज कंपेयर टू दिस कंसंट्रेटेड एसिड। तो अब इस कंसंट्रेटेड को डाइल्यूट बनाते कैसे हैं, इस कंसंट्रेटेड को डाइल्यूट बनाते कैसे हैं, तो इसके लिए बहुत इजी सा प्रोसेस है कि आप एक कंटेनर में एक्सेस अमाउंट में क्या लीजिए, वाटर लीजिए, एक्सेस अमाउंट में वाटर लीजिए, और इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करिए, एसिड को मिक्स करिए और इस बीकर को कॉन्स्टेंटली स्टिर करते रहिए। क्यों स्टिर करना बहुत जरूरी है, स्टिर करना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद वाटर इट इज वेरी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है। तो अगर हम उसे कॉन्स्टेंट स्टिर करना है तो हीट थोड़ी सी क्या होती जाएगी, न्यूट्रलाइज होती जाएगी। आप बीकर को चेक करके देखिएगा नीचे से, आपको पता चलेगा कि हाँ बहुत ज्यादा अमाउंट पे हीट रिलीज हो रही है। इसीलिए वाटर को एक्सेस अमाउंट पे रखना है और एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना है। अदरवाइज अगर आपने एसिड को बहुत ज्यादा बल्ज अमाउंट में ले लिया एंड वाटर को आप उसमें ऐड कर रहे हैं तो जो रिएक्शन होगी बहुत ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। कैसे रिएक्शन होगी, हाईली एक्सोथर्मिक। हो सकता है कि जो वाटर वहां पर फॉर्म हो रहा है स्टीम के फॉर्म में वो जो पर्सन उसे कर रहा है उसे जला दे, या फिर ये पूरा का पूरा कंटेनर स्प्लैश हो जाए, फूट जाए वहीं पर, या फिर वो जो स्टीम फॉर्म हो रही है उसके साथ एसिड मिलकर के बाहर आए और उस पर्सन को पूरा का पूरा हार्म कर सकता है। इसीलिए वाटर जो रहेगा वो हाई अमाउंट में रहेगा, एसिड जो रहेगा वो वेरी लो अमाउंट में रहेगा। जब भी हम क्या करेंगे, डाइल्यूशन ऑफ एसिड के प्रॉपर प्रोसेस को शो करेंगे, डाइल्यूशन ऑफ एसिड, वाटर इज इन वेरी हाई अमाउंट, एसिड इज इन वेरी लो अमाउंट। व्हाई, बिकॉज व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद वाटर, if excess of acid is present and low amount of water is present, the reaction is very highly exothermic, the huge amount of heat is released, it may cause harm to the person who is doing it, that's why we always recommended to add
वॉटर इन एसिड इन वॉटर दैट टू ड्रॉप बाई ड्रॉप कॉन्स्टेंट स्टिरिंग के साथ, कि जो एसिड आपका फॉर्म हो रहा है वो हीट तो यहां पे रिलीज कर रहा है, आप बीकर को चेक करके देख सकते हैं, बट जो हीट रिलीज हो रही है वो एक्सेस ऑफ वाटर के कारण क्या हो रही है, थोड़ी सी कम हो जा रही है, इसलिए रिस्क थोड़ा सा कम हो जाएगा। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन ऑफ एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड में H+ आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, डाइल्यूट एसिड में H+ आयंस की कंसंट्रेशन बहुत लो होती है। अब जैसे एसिड एंड बेसिस में एक चीज थोड़ी सी और कॉमन है कि बेसिस में भी H+ आयंस होते हैं, ऐसा नहीं है कि बेसिस में H+ आयंस नहीं होते, बट द अमाउंट ऑफ OH- आयन इतना ज्यादा है, द अमाउंट ऑफ OH- आयन इज दिस मच ग्रेट एज कम्पेयर टू H+ आयन कि वो उसे ओवरकम कर देता है। तो क्वेश्चन दिया हुआ एनसीईआरटी में, डू बेस ऑल्सो हैव H+ आयन इन देम, या इट इज प्रेजेंट इन देम बट द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज वेरी लो, जो कंसंट्रेशन H+ आयन की वो बहुत ज्यादा कम रहेगी। नाउ मैंने बात की कंसंट्रेशन, मैंने बात की स्ट्रेंथ की कि वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हाउ वी आर गोइंग टू जज है कि जो एसिड हमारे पास है वो वीक है कि स्ट्रॉन्ग है। हमने इंडिकेटर्स पढ़े थे अभी तक, इंडिकेटर्स हमने ये पढ़ा था कि हाँ जो कंपाउंड हमारे पास दिया हुआ है दैट इज एसिड या बेस। अब दो एसिड ही दिए हुए, सपोज ये एक कंटेनर है इसके अंदर वीक एसिड रखा हुआ है, ये एक कंटेनर है इसके अंदर वीक एसिड रखा हुआ है, अब लिटमस पेपर लाऊंगा तो दोनों के दोनों का कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू लाया दोनों रेड हो गया, इसमें भी रेड हो गया इसमें भी रेड हो गया। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है, कौन सा इजी टू कंज्यूम है कौन हार्ड टू कंज्यूम है, या फिर कंज्यूमेबल है ही नहीं। सो फॉर दैट वी हैव पीएच स्केल, पीएच स्केल 1909 वन साइंटिस्ट ही मेड दिस स्केल, पी स्टैंड फॉर पोटेंस, पोटेंस का मतलब होता है पावर, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट रहेंगे उसका पीएच वैल्यू उतना ही कम रहेगा, मतलब पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयंस। इसका मतलब क्या है, जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस पीएच की वैल्यू उतनी ही कम, तो ज्यादा हाइड्रोजन आयन मीन्स this is acidic in nature. So if I'm going to write one scale, the pH scale शुरू होती है 0 से, end होती है 14 से, बीच में आता है 7, ये 7 जो है neither acidic nor basic, this is neutral. इधर जाएंगे तो hydrogen ion की concentration बढ़ेगी, hydrogen ion की concentration बढ़ेगी तो pH value क्या हो रही है, कम हो रही है, देखिए 7 से नीचे जा रहे हैं, तो H+ ions increases. Increases. मतलब 0 से लेकर 7 के जो बीच का पोर्शन है ये पूरा का पूरा एसिडिक पोर्शन है, पूरा का पूरा कैसा है एसिडिक पोर्शन है। अब 7 से 14 की तरफ आ रहे हैं तो इंक्रीज इन OH- आयंस, या फिर डिक्रीज इन OH- आयंस और डिक्रीज इन H+ आयंस, H+ आयंस क्या हो रहे हैं यहां पर डिक्रीज होते जा रहे हैं। अब H+ आयंस के डिक्रीज होने या इंक्रीज इन OH- आयंस, तो OH- आयंस जब इंक्रीज होता है तो कैसा हो जाता है, रीजन पूरा का पूरा बेस हो जाता है। तो 7 के बाद से पूरा 14 तक दिस इज बेस, 7 से लेकर के 0 तक दिस इज एसिड, जितना आप मूव करेंगे इधर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा बढ़ते जाएगी, तो 0 पे सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, इधर जब आप मूव करेंगे तो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कम होते जाएगी, OH- बढ़ते जा रहे हैं, तो OH- जितना ज्यादा बढ़ते जाएगा 14 पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट होगा, 14 पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट होगा। इसके लिए 14 पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को रखा जाता है, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड बेस सॉरी, एंड 0 पे हम रखते हैं HCl को, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है HCl, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है NaOH। अब इसमें हम इस चीज को कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि A में कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और B में कौन सा स्ट्रॉन्ग है इन दोनों में, तो इसके लिए हमारे पास पीएच इंडिकेटर दिया हुआ है। ये क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से दैट 0 से लेकर के 7 से कम, लेस देन 7 इज द होल रीजन ऑफ एसिड, ग्रेटर देन 7 इज होल रीजन ऑफ बेस। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू चेक दैट द एसिड गिवन टू अस इन बोथ द कंटेनर विच वन इज स्ट्रॉन्ग एंड विच वन इज वीक, फॉर दैट वी हैव पीएच इंडिकेटर।
ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर. जनरली ब्राउन होते हैं कलर में इंडिकेटर, ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर. इसके लिए टेबल बनती है पूरी की पूरी, जैसे हमने इंडिकेटर्स की टेबल बनाई थी. पीएच वैल्यू, कलर, कलर नहीं, यहां पर लिखते हैं कंपाउंड, कैसा कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड. एंड थर्ड इज कलर, थर्ड इज कलर. अगर पीएच वैल्यू लेस देन 3 है, देखिए थोड़ा सा जब आप अलग अलग जगह पर पढ़ेंगे तो आपको कलर मिक्स करके भी देगा, वो डिफर करता है कि आप किस हिसाब से याद रखना चाहते हैं. लेस देन 3 स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर पीएच की वैल्यू लेस देन 3 है देन इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड. इसका कलर होगा रेड, इसका कलर होगा रेड. अगर 3 से लेकर के 6 तक है, 3 से लेकर के 6 तक है, दिस इज वीक एसिड, दिस इज वीक एसिड. इसका कलर होगा ऑरेंज येलो. 3 और 4 के अराउंड है तो ऑरेंज, 5 और 6 और 7 से थोड़ा कम है तो क्या हो जाएगा येलो. मतलब 6 और 7 के बीच में है तो येलोइश ग्रीन आ जाएगा. क्यों? क्योंकि न्यूट्रल जो होता है वाटर जैसे, तो ये होता है ग्रीन कलर का. कैसा होता है ये? ग्रीन कलर का. तो अगर 6 और 7 के बीच में है तो वो येलोइश ग्रीन हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है. देन 8 to 10 में वीक बेस, वीक बेस, वीक बेस का कलर होता है ब्लू, वीक बेस का कलर होता है ब्लू. तो देखिए अब जो 7 से 8 के बीच का पोर्शन होगा वो थोड़ा सा ग्रीनिश ब्लू कलर का आएगा, ठीक है, दोनों का थोड़ा सा मिक्सचर. एंड मोर देन 10, मोर देन 10 ये है स्ट्रॉन्ग बेस, ये है स्ट्रॉन्ग बेस. अब स्ट्रॉन्ग बेस मतलब इंडिगो और वॉयलेट, सॉरी और भी लगेगा एंड लगेगा, इंडिगो एंड वॉयलेट. अगर 11, 12 की रेंज में है तो इंडिगो, 13, 14 चला गया देन इट इज वॉयलेट. तो देखिए विबग्योर फॉर्म हो रहा है पूरा का पूरा. अगर किसी को बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है याद करने में तो विबग्योर फॉर्म हो रहा है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर, रेनबो के कलर. तो आप इससे यूनिवर्सल इंडिकेटर को याद रख सकते हैं कि लेस देन 3 स्ट्रॉन्ग एसिड, रेड कलर, मोर देन देन दिस वन, एंड दिस टेबल इज रेडी टू बी लर्न. तो देखिए ए और बी में अगर दोनों एसिड है, यूनिवर्सल इंडिकेटर को डिप किया यहां पर, यूनिवर्सल इंडिकेटर को यहां पर भी डिप किया, यहां पर भी डिप किया. अगर यहां पर आया रेड कलर और यहां पर आया येलो कलर, मतलब विच ऑफ देम इज स्ट्रॉन्ग एंड विच ऑफ देम इज बी. तो देखिए रेड कलर स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब ये क्या हो गया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड. तो आप दो एसिड्स के बीच में यूनिवर्सल इंडिकेटर से कंपेयर कर सकते हैं कि विच वन इज स्ट्रॉन्ग एंड विच वन इज वी. सिमिलरली विद बेस एज वेल, यही सेम चीज बेस के साथ भी कर सकते हैं. ब्लू कलर आया तो वीक बेस और वॉयलेट कलर आया तो स्ट्रॉन्ग बेस. तो दिस इज द पोर्शन ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर. अब हम थोड़ा सा पीएच को डेली लाइफ में थोड़ा देख लेते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आर प्रेजेंट देयर. कि ये जो पीएच स्केल हमने पढ़ी इसका हमारे रेगुलर लाइफ में क्या यूज है, हम कहां देखते हैं हमारे पीएच स्केल को और क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है. तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे सॉइल में या बैकयार्ड में, फार्मिंग बेसिस एग्रीकल्चर सॉइल पे. तो पीएच इन एवरीडे लाइफ, पीएच इन एवरीडे लाइफ क्या क्या चीजें होती है देखिए. तो इसमें कई सारी चीजें हैं, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम. तो डाइजेस्टिव सिस्टम को मैंने क्लियर कर दिया पहले ही, ओवर ईटिंग के कारण जब इनडाइजेशन की प्रॉब्लम आती है तो बोलते हैं एसिडिटी हो रही है, क्योंकि एक्सेस ऑफ एसिड्स आर सिक्रेटिंग इन अवर स्टमक. तो उस टाइम हम या तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर बेकिंग सोडा खा लेते हैं, और उससे क्या होता है वो न्यूट्रलाइज कर देता है हमारे एसिड को, सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है. तो बेकिंग सोडा इज वेरी हेल्दी टू ईट, मतलब कोई उसमें टॉक्सिक मटेरियल फॉर्म नहीं होते हैं. इसीलिए ऐसे एसिड्स को जिसमें टॉक्सिक मटेरियल फॉर्म नहीं होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एंटा एसिड्स. तो पहले डाइजेशन पे ही देख लेते हैं, स्टमक
जब एक्सेस ऑफ एसिड इंक्रीज हो जाता है, मतलब सीक्रेट होने लगता है बॉडी में, तो उस टाइम हमारे बॉडी में जो पेट स्टमक है, स्टमक में एसिड ज्यादा हो जाता है, तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एक एंटा एसिड लेते हैं। एंटा एसिड्स आर बेसिस, बेस, ऐसे बेस जिनको इंटेक करने पे कोई टॉक्सिक मटेरियल फॉर्म ना हो, वो बॉडी को जो स्टमक है उसको न्यूट्रलाइज भी कर दे, उसे हम एंटा एसिड बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? एंटा एसिड। दोस डू नॉट फॉर्म टॉक्सिक मटेरियल, नो टॉक्सिक मटेरियल इज फॉर्म, नो टॉक्सिक मटेरियल इज फॉर्म, एंड वॉट इट डज, इट न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, इट न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। ठीक है, तो ये स्टमक में कि जब एक्सेस ऑफ एसिड रिलीज होने लगेगा तो एंटा एसिड लीजिए, दैट इज बेस। ऐसे बेस मतलब एंटा एसिड ऐसे बेस हैं जो कोई भी टॉक्सिक मटेरियल फॉर्म नहीं करेंगे, सो इट न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस एसिड। सेकंड, सॉइल। जो सॉइल होती है, सॉइल का पीएच, एक आइडियल पीएच अराउंड 7 होना चाहिए, अराउंड 7 होना चाहिए फॉर प्रॉपर वर्किंग, फॉर प्रॉपर ग्रोइंग, फार्मिंग, एवरीथिंग। जब पीएच वैल्यू क्या होती है सॉइल की, पीएच लेस देन 7, एसिडिक हो जाती है सॉइल, क्या हो जाती है? एसिडिक हो जाती है। तो उस टाइम हमें क्या करना पड़ता है? सॉइल में बेस मिलाने पड़ते हैं। व्हाट वी हैव टू ऐड इन सॉइल? बेस। तो व्हेन एसिडिक सॉइल इज देयर, व्हाट वी आर गोइंग टू ऐड इन देम? बेस। अब बेस में क्या बेस हम ऐड करेंगे? बेस में हम ऐड कर सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं क्विक लाइम, पहली चीज। या तो फिर हम ऐड कर सकते हैं सेकेंडली कैल्शियम हाइड्रोऑक्साइड, दैट इज स्लेक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोऑक्साइड, दैट इज स्लेक लाइम। और हमें एक और चीज ऐड कर सकते हैं, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे चौक को क्या ऐड कर सकते हैं? चौक, लाइमस्टोन, चौक, इन सब चीजों को ऐड कर सकते हैं। इससे जब ये बेस रिएक्ट करेगा जाकर के, तो सॉइल को क्या कर देगा? ऑलमोस्ट न्यूट्रल, क्योंकि एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर्स डालने के कारण हमारे सॉइल का पीएच वैल्यू काफी हद तक चेंज होने लग जाता है। तो उसे वापस से न्यूट्रलाइज करने के लिए, वापस से अराउंड 7 के रेंज में लाने के लिए हमें ये सब चीजें ऐड करनी पड़ती है। व्हेन द सॉइल इज एसिडिक इन नेचर, जब सॉइल की पीएच वैल्यू क्या होती है? लेस देन 7 हो जाती है। एक आइडियल पीएच कितना होना चाहिए? अराउंड 7 होना चाहिए। अगर पीएच मोर देन 7 हो जाए, मतलब बेसिक हो जाए, पीएच मोर देन 7 हो जाए मतलब बेसिक सॉइल हो जाए। कैसी हो जाए? बेसिक सॉइल हो जाए। तो बेसिक सॉइल में क्या करिए? ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर जो जनरली एसिड होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में, जैसे कंपोस्ट ऑफ वेजिटेबल, डिकिंग मैटर, ये सब चीजें ऐड करिए, तो बेसिक सॉइल कैसी हो जाएगी आपकी? न्यूट्रल हो जाएगी। बेसिक सॉइल कैसी हो जाएगी? न्यूट्रल हो जाएगी, ऑलमोस्ट इन द रेंज ऑफ 7। तो ये है पीएच इन सॉइल, कि सॉइल के पीएच अराउंड 7 होनी चाहिए। एसिडिक हो रही तो बेस, बेस में ये तीन है, CaO, CaOH whole twice एंड CaCO3, क्विक लाइम, स्लेक लाइम और लाइमस्टोन, ये तीनों चीजें या चौक, इसको ऐड करिए, ये न्यूट्रल हो जाएगी। क्वेश्चन आता है पेपर में कई बार बार कि व्हाट यू आर गोइंग टू ऐड विद द सॉइल इज एसिडिक इन नेचर, व्हाट यू आर गोइंग टू ऐड विद द सॉइल इज बेसिक इन नेचर, सो दिस थिंग वी आर गोइंग टू ऐड, एंड दैट इज स्टमक एंटा एसिड, नॉट फॉर्मिंग एनी टॉक्सिक मटेरियल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंटा एसिड। ठीक है, पूछेगा व्हाट इज एंटा एसिड, व्हाई, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर बेसिस। तो एंटा एसिड्स आर दो टाइप ऑफ बेसिस व्हिच आर नॉट फॉर्मिंग एनी टॉक्सिक मटेरियल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंजप्शन। ओके, थर्ड, टूथ डिके। देखिए, जब माउथ का पीएच वैल्यू 5.5 से नीचे हो जाती है, जब माउथ की पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाती है, अब ये कैसे कम हो जाती है? देखिए, हमारा सलाइवा जो है बेसिकली उसकी पीएच है 7.4, जो सलाइवा है इसकी पीएच वैल्यू है 7.4 बिफोर ईटिंग, बिफोर ईटिंग, खाना खाने से पहले 7.4। ठीक है, टूथ डिके का केस है थर्ड,
जो सलाइवा है उसकी पीएच वैल्यू कितनी है 7.4, लेकिन जब हम खाना खा लेते हैं आफ्टर ईटिंग तो सलाइवा की जो पीएच रेंज है वो हो जाती है 5.8 कह रहा हूं। तो पहले है बेसिक, बाद में हो गया एसिडिक। तो ऐसा होता कैसे? देयर आर सर्टन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अवर माउथ when we eating the food, when we eat the food at that time, the sugar particles present in our food is reacting with the bacteria present in the food and forming acidic material. क्या form करते हैं वो? acidic material form करते हैं। तो ज्यादातर जब हम chocolates खाते हैं जिसमें already sugar particles ज्यादा होते हैं, तो acid क्या होता है? ज्यादा amount को form होता है because that bacteria is reacting with sugar to form acid. जब ये acid ज्यादा secrete होने लग जाता है तो ये दांतों में जाकर के क्या था, प्लेक की लेयर बनाने लग जाता है और उसमें कंटिन्यूसली वो एसिड हमारे कैल्शियम फॉस्फेट दैट इज इनेमल आपको पता होगा, छोटी क्लासेस में बहुत पढ़े होंगे कि जो बॉडी है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे हार्डेस्ट पार्ट है हमारा दांत, दांत के ऊपर की लेयर का इनेमल दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट। क्या है वो? कैल्शियम फॉस्फेट दैट इज इनेमल। तो जब कंटिन्यूसली एसिड सिक्रीट होने लगता है और जब माउथ की पीएच वैल्यू 5.5 से क्या होती है, कम हो जाती है, when the pH value is pH of mouth is less than 5.5, जब इससे कम हो जाती है 5.5 से कम हो जाती है तो उस टाइम पे हमारे माउथ में जो इनेमल की सरफेस है, जो इनेमल है उसमें धीरे धीरे करके क्या होता है, एसिड कोरोजन करना क्रिएट कर देते हैं। एंड when they continuously started corroding the upper layer, इट रिमूव फ्रॉम दैट पोर्शन, और फिर इसी को बोलते हैं टूथ डिके। कंटिन्यूसली क्या होता है, वहां पर कोरोजन होना स्टार्ट हो जाता है, वो लेयर जो होती है धीरे धीरे रिमूव होने लग जाती है। फॉर दैट पर्पस ओनली द ओनली क्योर फॉर इट इज, जब भी आप खाना खाएं, खाना खाने के बाद तुरंत क्या कर लें, माउथ को रिंस कर लें। रिंस करने से जो पार्टिकल फूड के आपके दांतों के बीच में स्टक है, जहां पर कंटिन्यूसली एसिड का सिक्रीशन होने के चांसेस रहते हैं, दैट इज बिटवीन द जॉइंट्स ऑफ दैट टू टीथ, तो आप उसको तुरंत रिंस करें। रिंस करने से वो पार्टिकल वहां से निकल जाएगा और एक्सेस एसिड का सिक्रीशन नहीं हो पाएगा। सेकेंडली जो टूथपेस्ट हम यूज करते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि वो सलाइवा जो बन चुका है वो एसिडिक है, तो बेस क्या करेगा, उसको वापस से थोड़ा सा न्यूट्रल के स्टेज में लाने की कोशिश करेगा, जिससे एक्सेस एसिड माउथ में क्रिएट ना हो और जिससे टूथ डिके से हम क्या हो सके, बच सके। फोर्थ इज एसिड इन अवर बॉडी, मतलब पीएच इन बॉडी, हमारी बॉडी हो गई, एनिमल्स की बॉडी हो गई। जैसे हमारी बॉडी का पीएच रेंज जो है ऑलमोस्ट 7.4 से 7.8 के बीच में वर्क करता है, बिकॉज ऑफ ब्लड स्ट्रेन जितनी होती है ब्लड की 7.4 होती है, तो उसी रेंज में ये भी वर्क करता है 7.4 से 7.8 में। अगर पीएच वैल्यू इससे कम हुई बॉडी की तो बॉडी डेफिनेटली स्टार्ट सफरिंग। नाउ सेकेंडली द पीएच ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जो पानी में रह रहे हैं बेचारे, व्हेन द पीएच वैल्यू ऑफ रेन वॉटर, देखिए मैं एसिड रेन बताने वाला हूँ, अब आपको क्या बताने वाला हूँ, एसिड रेन कैसे कनेक्ट कर रही है इससे, डायरेक्टली कनेक्ट कर रही है एसिड रेन इससे भी। जैसे ये तो ह्यूमन बॉडी की पीएच रेंज हो गई, ये किसकी हो गई, ह्यूमन बॉडी की पीएच रेंज हो गई। अगर इससे कम होगी, ज्यादा भी होगी, दोनों तरफ से हमें क्या होगा, इफेक्ट करेगी। सेकेंडली अगर रेन वॉटर की पीएच वैल्यू लेस देन 5.6 हुई, रेन वॉटर की पीएच वैल्यू अगर लेस देन 5.6 हुई तो हम उसे क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। अभी एसिड रेन होती कैसे है, जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये जो दोनों गैसेस हैं जब वाटर वेपर से रिएक्ट करती हैं तो एक बना लेता है सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बना लेते हैं ये, सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड। ये दोनों गैसेस जब ये एसिड बना लेती है और जब ये एसिड पानी के साथ मिलकर के जमीन पर गिरता है तो जब रेन वाटर की पीएच वैल्यू लेस देन 5.6 हो जाती है, जब तो हम उसे क्या बोलते हैं, एसिड रेन। अब ये वाला पानी कहां जा रहा है, नदियों में जाके मिल रहा है, रिवर्स में, लेक्स में। तो जब उस रिवर और लेक की पीएच वैल्यू क्या हो रही है, धीरे धीरे करके और कम होते जा रही है, तो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करने में बहुत ज्यादा उन्हें दिक्कत हो रही है। इसीलिए कभी कभी देखिएगा फिशेस कभी कोई मर के पूरी तैरते रहती है ऊपर में, क्यों, क्योंकि एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए पीएच वैल्यू 5.6 से ज्यादा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ये इतना कम हो जा रहा है कि वो एसिड रेन
पानी को भी क्या कभी पूरा पर एसिडिक कर दे रही है। इसीलिए हम लेक सिक्स में कभी कभी कैल्शियम कार्बोनेट को स्प्रे करते हैं पूरा, उससे क्या होता है वो वापस से पानी पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो दिस इज इन बॉडी। लास्ट है हाउ सम इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स दे रिलीज पीएच मीन दे रिलीज एसिड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, जैसे एंट, हनी बी, एंट एंड हनी बी, एंड हनी बी, ओके दीज टू इंसेक्ट्स आर देयर, वन इज नेटल प्लांट एंड रिलीज एसिड दैट इज फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, इसे मिथेनोइक एसिड भी कहा जाता है, इसे मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं, मिथेनोइक एसिड। चैप्टर फोर में पोर्शन दिया हुआ है कि हाउ वी आर गोइंग टू डू द नोमेनक्लेचर एंड दिस, दिस आर ऑल्सो रिलीजिंग एसिड, निटल स्ट्रिंग्स आर ऑल्सो रिलीजिंग एसिड एंड दिस इज मिथेनोइक एसिड अगेन। तो जब आपको इन सब चीजों को, जैसे आपको एंट ने स्टिंग कर दिया, काट लिया, या हनीबी ने काट लिया, या नेटल ने काट लिया, तो इन तीनों केसेस में ये एसिड रिलीज कर रहे हैं, तो आप वहां पर क्या करिए, रेमेडी के लिए बेकिंग सोडा लगा लीजिए, ऊपर रब कर लीजिए अच्छे से लगा करके, जिससे क्या होगा कि वो एसिड तुरंत बेस से रिएक्शन करेगा और न्यूट्रलाइज हो जाएगा। एक और केस है वैस्प का, बहुत लोग हनीबी और वैस्प को सेम समझ लेते हैं। वैस्प व्हेन दे बाइट दे रिलीज बेस, दे रिलीज बेस। तो वैस्प के केस पे अगर आपको किसी वैस्प ने काट लिया है देन एट दैट टाइम यू आर गोइंग टू ऐड विनेगर या फिर कोई और माइल्ड एसिड आप यूज कर लीजिए वहां पर, जिससे क्या होगा पूरा पूरा रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो जाएगा और फिर आपको रेमेडी मतलब आपको क्योर वहां पर मिल जाएगा आसानी से। तो दिस इज पीएच इन एवरीडे लाइफ, हाउ दिस इंसेक्ट्स आर रिलीजिंग दैट एसिड एंड बेसिस, हाउ फॉर देयर व्हाट फॉर देयर प्रोटेक्शन। तो दिस इज जनरल थिंग्स, ये है आपका पोर्शन जनरली पूरा एसिड एंड बेसिस का कि व्हाट इज द पीएच, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेसिस। अब हम नेक्स्ट पोर्शन में जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में कि सॉल्ट्स होते क्या है और सॉल्ट कैसे फॉर्मेशन करते हैं प्रोडक्ट्स का। तो दिस इज फॉर टुडेज क्लास, आप अच्छे से वीडियो को दोबारा भी देखिएगा एक बार जिससे आपको सभी चीजें अच्छे से मेमोराइज हो जाए। सो थैंक यू।